तो वह ग्रैनी के डोर को बार बार रिंग कर रहा होता है, जिसके बाद ग्रैनी गेट खोल के देखती है तो वहाँ पे कोई उड़ती हुई लेटर आती है, जिस लेटर में लिखा होता है कि तुम्हें मैजिकल स्कूल में बुलाया जाता है, जिसके बाद ग्रैनी वो लेटर पूरा पढ़ती है और खुश हो जाती है। उसके बाद ग्रैनी नाचना भी शुरू कर देती है, तो ग्रैनी अपने कमरे में भागती हुई जाती है और उसके बाद लेकर आती है बैग और मैजिकल स्टिक। तो ग्रैनी अपने घर के पीछे आ जाती है जहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं जो कि ग्रैनी का इंतजार कर रहे होते हैं, जिसके बाद ग्रैनी सबको हाई करती है और कहती है कैसे हो आप सभी लोग। तो ग्रैनी सबसे आगे जाती है और एक पोर्टल खोल देती है अपने मैजिकल मंत्र बोलकर। तो यहाँ पे ग्रैनी कहती है ये पोर्टल खुल चुका है, जिसके बाद आप सभी लोग इस पोर्टल के अंदर एक एक करके जाओ। जिसके बाद सबसे पहले बाल्टी जाने की कोशिश करता है, पर बाल्टी कहता है मैं कहीं और ना पहुंच जाऊं, इसलिए थोड़े चेकिंग करता है बाल्टी। उसके बाद बाल्टी कहता है ये सब कुछ ठीक है। उसके बाद बाल्टी वहां से चला जाता है। तो बाकी सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो भी स्कूल जाएंगे मैजिक सीखेंगे। तो यहाँ पे ग्रैंडपा और ग्रैंडपा दोनों भागते हुए चल जाते हैं उस पोर्टल के अंदर, उन्हीं के पीछे एक बूढ़ी अम्मा भी चली जाती है। उसके बाद आइसक्रीम मैन के बारी होती है जाने की, पर आइसक्रीम मैन इधर उधर देख रहा होता है क्योंकि आइसक्रीम मैन को बहुत ज्यादा डर लगता होता है पोर्टल्स में ट्रेवल करने का। तो आइसक्रीम मैन अपने फुल कॉन्फिडेंस में जाता है उस पोर्टल के अंदर, पर तभी पोर्टल बंद कर देती है ग्रैनी, जिसके बाद आइसक्रीम मैन का सिर भिड़ जाता है दीवार के साथ। तो ये सब देख के ग्रैनी बहुत ज्यादा हंसती है, जिसके बाद ग्रैनी एक और पोर्टल खोलती है और आइसक्रीम मैन को उठाकर उस पोर्टल के अंदर फेंक देती है और खुद भी चली जाती है वहां पर। तो सबसे पहले बाल्टी मैजिकल स्कूल में पहुंच जाता है, जिसके बाद बाल्टी के ऊपर दो और ग्रैंडपा आके चढ़ जाते हैं। उसके बाद बूढ़ी औरत भी आके गिर जाती है उनके ऊपर, तभी पोर्टल बंद हो जाता है और वहां पे सभी लोग उठकर खड़े हो जाते हैं, पर बाल्टी के ऊपर फिर से आइसक्रीम मैन आके उसके ऊपर गिर जाता है। तो उसके बाद इवेलिन बहुत तेजी से आ रही होती है अपने स्टूडेंट्स को देखने के लिए, पर तभी वो मैजिक करती है, जिसके बाद बाल्टी और आइसक्रीम मैन को खड़े उठाकर रख देती है। कुछ ही सेकंड्स में ग्रैनी भी वहां पे पहुंच जाती है, जिसके बाद इवेलिन कहती है तुम लोग मेरे पीछे आ जाओ। तभी इवेलिन आगे आगे जा रही होती है और सभी लोग इवेलिन को फॉलो कर रहे होते हैं। उसके बाद इवेलिन सभी को रूम दिखाना शुरू कर देती है, तो कहती है दो बंदे यहाँ आ जाओ और दो बंदे बाकी सभी लोग मेरे पीछे आ जाओ, और आगे ग्रैनी और ग्रैंडपा के लिए ये वाला रूम है और उसके आगे आइसक्रीम है और बाल्टी में का।